उसमें गैंग गैंग एक ही तो बच के निकलेगा, ये तो डंडन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में बताने वाला है कुछ इस तरह का व्हाट्सएप एटीट्यूड स्टेटस वीडियो, जो कि देखने में काफ़ी कमाल लग रहा है। दोस्तों अगर आप लोग भी अपने फ़ोटो से कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके 916 रेशियो का प्रोजेक्ट इस तरह से ऐड करना है। और आपको यहाँ पर एक फ़ोटो का दो फोटो ऐड करना है, ठीक है। तो पहले हम एक फ़ोटो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक फ़ोटो को ऐड पहले कर लेते हैं इस तरह से, और एक और फ़ोटो ले ही लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ऐड कर लीजिएगा, राइट क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट फ़ोटो पर इस तरह से क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके इसको इस तरह से जूम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देना है, फिर बैक चले जाना है, इसके विग्निटी को ऑन करना है, एडजस्टमेंट पर जाकर इस तरह से कलर एडजस्टमेंट अच्छी तरह से कर लेना है, राइट क्लिक करना है। इसको खींच कर दोस्तों 12 सेकंड के आसपास कर देना है, ठीक है। इस तरह से कर देना है, 12 से थोड़ा इतना रखिएगा, ठीक है। और इस फोटो पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करके इसको इस तरह से जूम कर लीजिएगा। और जूम करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके इसके भी कलर एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। एडजस्टमेंट पर जाकर इस तरह से कलर एडजस्टमेंट करिएगा, राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। इस फोटो के साइज को थोड़ा इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों वीडियो के शुरू में चले आना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, और अगेन स्क्रीन वीडियो लाना है। उसका लिंक दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसको लाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको इस तरह से फुल स्क्रीन करना है, स्प्लिट स्क्रीन पर बैक चले जाना है, और आपको नीचे जाकर यहाँ क्रोमा की ऑप्शन पर चले जाना है, ठीक है। और यहाँ से इसे इनेबल कर लेना है, ठीक है। और इसके टाइमिंग ये जो है 28, इसको इतना ही रखिएगा, ठीक है, इतना ही, थोड़ा और कम कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर दीजिए, फिर से आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, और एक बॉर्डर वाले पीएनजी को लाना है, ठीक है। इस तरह से ले आने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको इस तरह से फुल स्क्रीन कीजिएगा, बैक चले जाइएगा, और नीचे चले जाएँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में, और इसे भी स्क्रीन कर लेना है, और इसके टाइमिंग को खींच कर वीडियो के लास्ट तक कर देना है, ठीक है। फिर से दोस्तों आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, और बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, और यहाँ से एक वाइट बैकग्राउंड इस तरह से ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको इस तरह से खींच कर जूम करना है, ठीक है। और इसके टाइमिंग को आपको ये 12 सेकंड के आसपास रखना है, ठीक है। फिर राइट क्लिक करना है, इस पे फोटो पे क्लिक करना है, और यहाँ ओवरऑल एनिमेशन में चले जाइएगा, यहाँ पर आप लोगों को इसे फिजिकल कर लेना है इस तरह से, ठीक है। फिर आपको राइट क्लिक करना है, और वीडियो को प्ले करके देखते हैं, पीठ के हिसाब से इसे हम मैच करेंगे, ठीक है। तेरा बाप है यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पर फोटो पे आकर इस तरह से कट कर देना है, इसको हटा देना, ठीक है। इस फोटो पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स में चले जाना है, और आपको यहाँ से एक यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कॉल में डीजे वाला जो इफेक्ट्स है ये आप लोगों को डाउनलोड करना है। ये दोस्तों काइन मास्टर नहीं मिलेगा, इस पर हम एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी डाले हुए, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉल में डीजे वाला इस तरह से हम लोग 4 नंबर वाला ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से राइट क्लिक कीजिएगा, और यहीं से आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, और एक स्मोक वाली वीडियो को लाना है, ठीक है। स्मोक वाली वीडियो को ले आइएगा, और इसको इस तरह से जूम कर लीजिएगा, नीचे ब्लेंडिंग ऑप्शन में चल जाना है, स्क्रीन कर लेना है इसको भी, और बैक जाना है, और इसके अल्फा ऑपेसिटी को थोड़ा सा दोस्तों कम कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से कम कर लीजिएगा, फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, और एक पीएनजी को लाना है, ठीक है। इस तरह का पीएनजी आप लोगों को ले आना है, और इसको इस तरह से जूम कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा नीचे ले आना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रखना है, और नीचे ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाना है, और इसे भी स्क्रीन कर लेना है, ठीक है, और फिर राइट क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जितना हमारा ग्रीन स्क्रीन वीडियो है वहीं तक इस वीडियो को रखना है, ठीक है। तो यहाँ फोटो पर क्लिक कीजिएगा, कैचिंग ऑप्शन पर क्लिक करके इसको दोस्तों ट्रिम टू राइट कर लेना है, फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों हमारा वीडियो बनकर तैयार हो चुका है, चलिए एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं, ओके। ये
अब दूसरे से सेव करने के लिए आपको शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने साइज को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा।